दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों अब जाकर लखनऊ के खिलाफ मुकाबला जीती दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो रो पड़े ऋषभ पंत ने किया होश उड़ा देने वाला खुलासा, धोनी ने करी जीतने में मदद और जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर ऋषभ पंत की महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी क्या मदद करी जिसके बाद अब दिल्ली की टीम लगातार मैचेस को जीतती चली जा रही है, खुद बड़ा खुलासा करते हुए ऋषभ पंत ने बताया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और धोनी में से कौन अच्छा कप्तान है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का 26वां मुकाबला इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहां पर 20 ओवर में लखनऊ 7 विकेट गंवाकर 167 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। और जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो दिल्ली ने 170 रन बनाकर इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। हालांकि ये मैच दिल्ली के नाम तो पहले ही सही था, क्योंकि इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने कुलदीप यादव के 3 विकेट लेने की बदौलत 54 रन के कुल स्कोर पर ही 7 विकेट लखनऊ के गिरा दिए थे। हालांकि इस बीच आयुष बदूनी ने 55 रन तो वहीं केएल राहुल ने 39 रन बनाकर अपनी टीम को जैसे तैसे करके 167 रन तक पहुंचाया। अब जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो दिल्ली के लिए डेविड वार्नर तो 8 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए, तो वहीं जैक फ्रेजर और पृथ्वी शॉ के बीच साझेदारी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर पृथ्वी शॉ 32 रन बनाकर चलते बने तो जैक फ्रेजर ने 55 रन की पारी खेली। हालांकि ऋषभ पंत ने फिर मैच जिताने का काम किया, जहां उन्होंने 24 गेंदों पर 41 रन जड़कर यह मुकाबला पूरी तरह से पलट दिया और इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 6 विकेट से जीत अर्जित की। वहीं हम आपको बता दें कि अब आईपीएल की पॉइंट टेबल में भी बड़े बदलाव हो चुके हैं, जहां दिल्ली की टीम 10वें नंबर से खिसककर 9वें नंबर पर आ गई है और आरसीबी अब 10वें नंबर पर पहुंच चुकी है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी 4थे नंबर पर ही बनी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों यहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब जीतना शुरू कर चुकी है और ये सब पॉसिबल हो पाया है धोनी की वजह से। जी हां दोस्तों, इस मैच में मिली जीत के बाद ऋषभ पंत ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जब हमें लगातार हार मिल रही थी तब मैंने धोनी भैया से बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि आखिर हम मुकाबलों को कैसे जीत सकते हैं। आज जब लखनऊ के खिलाफ हम मैच खेलने के लिए उतरे तो बस हमारे मन में यही था कि हमें चैंपियंस की तरह मैच को खेलना है, हमें ये नहीं सोचना है कि अतीत में हमें कितनी हार मिली है और कितनी जीत, हमें बस इस बात पर फोकस रखना है कि हमें मैच जीतकर आज अपने घर वापस लौटना है। और इस मुकाबले में हमने बस यही ठान रखा था कि किसी भी हाल में मैच को जीतेंगे, चाहे हम अपनी बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन दिखाएं या फिर गेंदबाजी से। और हमारे गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी अच्छा खेल दिखाया और फ्रेजर ने जिस तरह से पारी को संभाला वहां से पूरा मुकाबला हमारी तरफ झुक गया। मैं धोनी भैया को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनकी बदौलत हम यहां लगातार अब आईपीएल में मुकाबलों को जीतते चले जा रहे हैं। अब हमारी कोशिश बस यही रहेगी कि आईपीएल के आगे के मुकाबले भी जीतकर हम आगे बढ़ते रहें और अपनी टीम को टॉप 4 में इस बार क्वालिफाई करवाएं, क्योंकि हमारी टीम से इस साल किसी को भी उम्मीद नहीं है कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमारी टीम इस बार आईपीएल की सबसे कमजोर टीमों में से एक है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अपने क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस साल का आईपीएल जरूर जीतेगी धोनी भैया की बदौलत, क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत ने तो बड़ा खुलासा कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम की मदद की है, जिसके बाद अब जाकर दिल्ली की टीम को लगातार जीत मिल रही है, क्योंकि धोनी अब उनको बता रहे हैं कि आखिर वो अपनी टीम में कैसे सुधार कर सकते हैं और क्या गलतियां उनसे हो रही है। अब दोस्तों लखनऊ की टीम आईपीएल में इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और लगातार मिल रही हार के बाद, बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या इस साल सही में आईपीएल के सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचेगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।